तो स्वागत है सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। अभी कहाँ पे भाई, यूनिफिट में है, दिख ही रहा होगा। कल आई होप न्यूट्रिशन अपॉइंटमेंट देखा होगा, मतलब न्यूट्रिशन अपॉइंटमेंट का जो वीडियो बनाया है वो अपॉइंटमेंट में, तो कहाँ कैमरा उस टाइम चलाया था। पर हाँ ये है कि अभी कुछ सामान भी लाना है और थोड़ा भी वर्कआउट भी करना है। आज अपना डे 3 है तो वो कर लेते हैं पहले। फाइनली अपना यूनिफिट के बाहर तो आ गए हैं और वर्कआउट आज अपना कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ चेक करने भी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। मेरे अभी कुछ समय पहले मेल आया था जब मैं इंडिया में भी था कि अपना जो जर्मन सर्टिफिकेट है, जैसे B1.1 दिया था लास्ट टाइम, तो वो ले सकते हो। लेकिन तब मैंने मेल करके बोला था कि भाई मैं हूँ नहीं, तो मैं जब आऊँगा तब कलेक्ट कर सकता हूँ क्या। तो सोच रहे हैं एक बार जाके आज अपना जो ऑफिस है ना वहाँ चेक कर लेते हैं कि अगर अपना आज सर्टिफिकेट मिल जाए, और फिर इस बारे में बताते हैं। पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि टाइमिंग का भी चक्कर लग रहा है मेरे को। ये देखो अपना इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, वो सामने झलक दिख रही होगी बिल्डिंग 47 की, यहाँ अपनी बिल्डिंग 32 और मेंसा, और ये रहा अपना पीछे यूनिफिट। तो चलते हैं आगे। तो चलते हैं भाई, देखो मेंसा तक तो पहुँच गए, कोई टेंट भी लगा हुआ है आज यहाँ पर। और चलते हैं लेफ्ट साइड जहाँ अपनी बिल्डिंग 47 है। तो ऑलमोस्ट अभी 11:15 का समय तो हो रहा है और पहुँच गए अपना बिल्डिंग के सामने। ये देखो ये रही अपनी बिल्डिंग 47। वैसे वाली बिल्डिंग याद होगी, एक वीडियो में बात की है जब ये पूरा एरिया कवर किया था और अलग अलग बिल्डिंग्स के बारे में बताया था। पर अभी तो इसमें चलते हैं भाई, अपना पूछ लेते हैं चल के पहले। लिफ्ट में तो आ गए भाई, अपना 6 नंबर दबाए हैं क्योंकि ऐसा मुझे याद आ रहा है जब एक बार जर्मन के रिगार्डिंग क्वेरी थी, जर्मन क्लास के रिगार्डिंग, तो 6th फ्लोर पर ही मैं आया था। तो चल के एक बार पूछ लेते हैं। अच्छा लिखा भी है यहाँ पे VKB, जिसमें मनी ट्रांसफर किया, डॉश कोर्स 6th फ्लोर, तो 6th फ्लोर पर तो आना है भाई और आगे जाके पूछते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे आए थे अपना सर्टिफिकेट लेने, पहले ज़रा बाहर निकलते हैं फिर बात करते हैं भाई। तो बिल्डिंग के बाहर तो आ गए हैं भाई, जहाँ पे जो रूम है ना जर्मन कोर्स के लिए, वहाँ पे पहले तो लिखा था कि आज के लिए, और अगर कल के लिए अगर करना है तो भाई पहले तो टेलीफोन नंबर पे कॉल करो, मतलब इन पर्सन अपॉइंटमेंट आज होगा नहीं। और इन पर्सन के लिए जैसे मंडे ट्यूसडे मेंशन था वहाँ पे कि भाई 9 से 12, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि 12 बजे का कुछ टाइम होता है, इसलिए मैं अभी जिम से निकल के ही एक बार पूछने आ गया। तो भाई जाके गए और उनसे बात की और फ़ोन मिलाया जो नंबर मेंशन था। तो उन्होंने तो यही कहा कि भाई एक काम करो तुम, कि मतलब क्योंकि यहाँ पे लिखा कि टेलीफोन टाइम ही है मंडे वेडनेसडे थर्सडे के लिए, तो तुम एक काम करो मुझे मेल करो अपॉइंटमेंट के लिए मंडे के लिए, और फिर तुम आके अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा उन्होंने अभी मेरे को कहा है कि तुम एक मेल भेजो ताकि मैं तुम्हें मंडे का अपॉइंटमेंट दे दूं और फिर तुम अपना आके सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेना। पर सही है भाई, ये इन्फॉर्मेशन वाली बात भी है कि चलो एटलीस्ट जाके देख लिए, आज मतलब इन पर्सन अपॉइंटमेंट है ही नहीं, तो कोई नहीं अपना चलते हैं, एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन पता लगी, आई होप पता लगी होगी। और अभी चलते हैं वापस अपना रूम पे। ये देखो भाई अपना इस वाले रास्ते से चलते हैं, थोड़ी ठंडी हवाएं तो चल रही हैं वैसे यहाँ पे। तो भाई अपने मेंसा के एरिया में आ गए और ये देखो यहाँ कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, ज़रा जाके चेक करते हैं। तो ये देखो भाई यहाँ ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं और पता है क्या मिल रहा है अभी बताता हूँ। ये देखो भाई यहाँ जनता और बढ़ती हुई, अभी जो सामान यहाँ मिल रहा है अभी दिखाते हैं। वैसे ये देखो पहले क्राउड यहाँ की। तो रूम पे तो आ गए और दिखाते हैं क्या मिला है वहाँ पे ना, जैसे एक चॉकलेट भी थी, मुझे मतलब ब्रांड का नाम नहीं याद है, मतलब देखा ही नहीं। और ये मिला देखो ऐसे, जैसे इस पर ये कॉफ़ी का पैकेट है। और एक सेकंड ज़रा बैग खोल लें और फिर दिखाते हैं। एक बड़ी यूनिक चीज़ मिली, यूजुअली चीज़ें मिलती हैं पर ये मेरे को थोड़ा यूनिक लगा। ये देखो मफिन्स के ऐसे पैकेट वहाँ पे मिल रहे थे, तो भाई बढ़िया फ्लांजिश मफिन्स हेज़लनट, तो मस्त है भाई। ऐसे इस पर वीगन का साइन तो बना हुआ है, न्यूट्री स्कोर इसका सी है, पर हाँ बढ़िया ये मिला। और भाई और क्या, अच्छा हाँ एक चीज़ और, वो जो ट्रक दिखा था ना, जो ट्रक दिखाए उसमें क्या मिला, पेप्सी ज़ीरो शुगर का कैन दे रहे थे। तो कभी कभार ऐसे यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं चीज़ें, मतलब यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं कोई भी है। तो ये देखो भाई बढ़िया, लोग तभी भीड़ भी दिख रही होगी, बढ़िया पेप्सी के कैन बट रहे हैं, ज़ीरो शुगर के मफिन्स, कॉफ़ी और कुछ चॉकलेट भी थी और पैम्फलेट्स भी थे। तो भाई यही सब था तो ले आए और क्या, अभी जो ला पाए। और अब अपना खाना बनाना है और उसके बाद थोड़ा खाने वाने का कार्यक्रम कर लें, फिर बात करते हैं। और इस बारे में भी सोच रहा हूँ थोड़ा बात करते हैं कि अगर जैसे मैंने बताया कि मैं इंडिया में था तो तब कैसे बात हुई जर्मन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। तो खाने वाने का कार्यक्रम किया और उसके बाद रेस्ट करने के बाद थोड़ा लिडल आए, थोड़ा शाम का स्नैक के लिए सामान उठाना है, वो सामान उठाते हैं चलते हैं और फिर
बात करते हैं। सामान लेके अपना बाहर तो आ गए और भाई थोड़ा बहुत यहाँ ना धूप का झलक दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे, चलो थोड़ी धूप तो पड़ रही है आज भी, और चलते हैं इस रास्ते से अपना रूम पे। तो फाइनली अपना ना आ गए हैं रूम पे। देख ही सकते हो भाई, बालकनी में खड़े हैं, थोड़ा अपना सनसेट का नज़ारा देख रहे हैं। और सामान लेने गए थे, थोड़ा वॉक किए नीचे, और अब सोच रहे हैं ना, अब जो बात थी वो बता देते हैं एक बार कि जर्मन सर्टिफिकेट का। जैसे मैंने बताया कि जब मैं इंडिया में था तो मैंने मतलब उनका मेल आया था कि आप अपने सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लो, तभी ना उस पर रिप्लाई कर दिया था। अगर मान लो नहीं हो तो रिप्लाई कर दिया था कि अभी मैं हूँ नहीं इंडिया में, और जब मैं आऊँगा तब मैं क्या कलेक्ट कर सकता हूँ। कभी कभार वो कहते हैं कि आप किसी को अपने बिहाफ पे भी भेज सकते हो, लेकिन मैंने कहा था कि भाई मैं खुद आके जब यूनिवर्सिटी, क्योंकि आना होगा ही, तो तब कलेक्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था कर लेना, और मतलब यूनिवर्सिटी आके ऑफिस आवर्स में आ जाना। तो इसी लेना आज मैं गया था। हालांकि मुझे जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत आइडिया था कि भाई हो सकता है 12 बजे तक ही खुला हो, खुलता तो 12 बजे तक है, बस ये था कि आज टेलीफोन में ही अवेलेबिलिटी थी, और मंडे ट्यूसडे उसमें लिखा हुआ था कि इन पर्सन आप आ सकते हो। तो जैसे कि बताया, टेलीफोन पे जो नंबर दिया था उस पे कॉल किए, और फिर उन्होंने यही कहा कि भाई मंडे तुम कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें एक अपॉइंटमेंट के लिए पहले मेल भेज दो, मैं मंडे का अपॉइंटमेंट दे देता हूँ और फिर तुम आके अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हो। तो वो मेल मैं अभी भेज दूंगा। और यही चीज़ है कि जैसे आओगे तो, जैसे मुझे तो अपॉइंटमेंट मिला है, तो एक ये भी है कि अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं वो, और फिर जाके अपना मतलब अपॉइंटमेंट लेके सर्टिफिकेट अपना कलेक्ट कर लो। अभी तो देखते हैं, पहले अभी मिला नहीं है सर्टिफिकेट, तो अभी पहले मेल भेजेंगे और फिर जैसा प्रोसीजर होगा जिस दिन मिलेगा तो उस दिन बता ही देंगे क्या है। तो यही था, मिल जाता है अगर ना हो, मतलब मिल जाएगा अगर ना हो यूनिवर्सिटी में, तो भाई अपॉइंटमेंट मांगना ही पड़ेगा सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए। यही है, और मेल भेजेंगे अभी पहले तो, और कुछ मेरे जैसे एक दो क्वेश्चंस हैं वो एक बार क्लियर हो जाएंगे तो उन क्वेश्चंस पे फिर मैं डिस्कशन करूँगा। जर्मन सर्टिफिकेट जर्मन क्लास से ही रिलेटेड है, हालांकि जर्मन क्लास से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि जल्द कुछ बनाएंगे, तो जब बनाएंगे तो डालेंगे। और अभी ना ज़रा अपना कुछ आगे का काम है, वो काम निपटा लेते हैं। आई होप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी। ये चीज़ भी जब मैंने बताया, जैसे मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंस हुआ कि वेडनसडे जाओगे तो भाई टेलीफोन पे ही बात होगी, तो थोड़ा टाइमिंग वाइमिंग देख लो, और उसके बाद मतलब पूछ लो एक बार मेल पे अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ऑफिस आवर्स में आ जाओ, और ऑफिस आवर्स में गए तो अपॉइंटमेंट का बोला। अभी अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ का मंजर दिखा देते हैं एक बार। ये देखो भाई, बढ़िया सनसेट होता हुआ इस समय, और अपना आप यही देखते देखते थोड़ा अपना काम कंटिन्यू कर लेते हैं। कुछ काम है थोड़ा स्केड्यूलिंग से ही रिलेटेड है, तो पहले वो ट्राई करते हैं करने का और फिर बात करते हैं। तो अपना जो स्केड्यूलिंग का काम है वो थोड़ा बहुत करने का ट्राई किए, और अब सोच रहे हैं सारा रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल अपना क्लास है, कौन सा है क्या है वो तो कल के नए दिन नए ब्लॉग में देखेंगे। बट आज आई होप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी कि भाई जर्मन सर्टिफिकेट, एटलीस्ट मेरे केस में तो ये है कि मेल भेजो और उसके बाद अपॉइंटमेंट लो, और फिर जैसे उन्होंने बोला कि मंडे आओ, आज उसमें टेलीफोनिक टाइम ही लिखा था, और ये दिखा होगा कि भाई यूनिवर्सिटी में क्या पैकेज मिला है, एकदम अलग सी चीज़ अपना जो कोक और बाकी मफिन्स और चीज़ें मिल रही थी। तो यही था भाई आज के दिन के लिए, और नए दिन नए ब्लॉग में मिलेंगे। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो।